हम जैसे संसारी जीव आपके दर्शन पा कृतार्थ हुए। मेरे जैसे निम्न व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार कर हम सब पे बहुत बड़ी कृपा की। हम तो साधारण मानव हैं, क्या आप हम सबको धर्म के पद पे चलने का उपाय बताकर हम पर कुछ कृपा करेंगे? मेरी पत्नी की भी अभिलाषा है कि आप हमें जीवन जीने की नीति समझाएं। चंड, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। यदि पति और पत्नी के बीच में मधुर संबंध होंगे तो परिवार का सौभाग्य बढ़ेगा और परिवार का सौभाग्य फैलकर संपूर्ण मानव समाज को हर्षित करेगा। पति और पत्नी को सांसारिक रूप से ही नहीं अपितु धन कमाने की भावना और शरीर के बंधनों से ऊपर उठना होगा। पत्नी पति के ही शरीर का एक अंग है। पति को सर्वदा अपनी पत्नी का आदर करना होगा, उसे मान देना होगा। पति को भूले से भी किसी के भी सामने अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। पतिव्रत का पालन पत्नी करती ही है, पति को भी पति धर्म का पालन करना चाहिए, उसे व्यभिचार से दूर रहना चाहिए। पत्नी की हर इच्छा को अपने हर निर्णय में सम्मिलित करना चाहिए। पत्नी का धर्म है पति से सर्वदा प्रेम करना। पति के परिवार को स्वयं का परिवार बनाना। उसके परिवारजनों के लिए सर्वदा अपने हृदय में प्रेम और सेवा का भाव रखना। अतिथियों का आदर करना। यदि परस्पर विश्वास से जिए तो परम ज्ञान की ओर एक साथ जाओगे। कृपा प्रभु, जीवन आपके दिखाए पथ पर चले उसके कुछ मूल नियम बताने का सौभाग्य दे। अच्छे मनुष्य की संगत करो। बुरे केवल वो हैं जो ध्यान पूर्वक नहीं जी रहे हैं, वो तुम्हारा भी ध्यान छीन लेंगे। अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाओ जिससे आत्मिक वृद्धि हो। जब अंतर्मन शुद्ध होगा तो आपके सभी कृत्य धार्मिक हो जाएंगे। जो भी करो, चाहे अपना व्यवसाय या घृणी का कार्य, उसे गहनता से समझकर उत्तम करने की चेष्टा करो। खाना भी पकाओ तो कार्य की तरह नहीं, अभूतपूर्ण अवसर की तरह। अपने और अपने पति के माता पिता, अपने बच्चों और आपके जीवन से जो भी जुड़े हैं उनकी देखभाल करो। केवल अपने लिए स्वार्थी हो जीवन ना जियो। अपना धन वैभव सुख संपदा सब में बांटो। जुआ और नशे से दूर रहो। अपने अंदर नम्रता कृतज्ञता और साधारण जीवन के पौधे को सींचो और उपजाओ। जब भी समय मिले भिक्षु से संपर्क कर ध्यान साधना का अभ्यास करो, उससे चिंता और कलेश मिटेंगे और आपके अंदर परम शांति का उदय होगा। स्मरण रहे, हर सवेरे जब आंख खुलती है तो हमारा नया जन्म होता है और इस दिन क्या करना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य कृतज्ञ भाव से जीना भूल गया है। सांसारी को यह स्मरण रहे कि उसे क्या क्या संपदा मिली है। वृक्ष मिले, पुष्प मिले, वायु मिली, जल मिला, आकाश मिला, ये संपदा हमने तो नहीं कमाई। इन सभी के लिए अपने अंतर में धन्यवाद का भाव हो। कृतज्ञ भाव से हर दिवस को जीते हुए सोचो। यदि बहुत कुछ नहीं सीखा तो कुछ तो सीखा।
यदि कुछ ना सीखा तो हम अस्वस्थ तो नहीं हुए, और यदि अस्वस्थ हुए तो हमारी मृत्यु तो नहीं हुई। यदि कृतज्ञ भाव से भरकर जिएंगे तो इस सुंदर जीवन के प्रति पुष्प के समान खिल जाओगे।